खोद खोद के बड़ा सा एक चौराहे जैसा खोदूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जी का पेड़। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई बहुत जीत यहाँ था, हालत अपनी ख़राब हो रखी है भाई। अभी मैं मार्केट से कुछ चारा लाया था, वो लगाने के लिए मिट्टी भी साइज कर रहा था भाई। बहुत ज़्यादा थक गया, मतलब आधा साइड काम हो चुका है। मतलब अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो कुछ चारा मैंने लगाने के था, वो आज हम मार्केट से ले आया। 100 रुपये का चारा लाया मैं भाई, 100 रुपये में 200 पौधा मेरे को मिल गया भाई। 200 या 150 पौधा आया होगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भाई। पूरा ये रखाना मेरे को खोद के इसके अंदर का मिट्टी निकालने का है, तो मैं फटाफट से काम से लग जाता हूँ क्योंकि टाइम पे मेरे को मार्केट भी जाने का है, क्योंकि घर के लिए कुछ सब्जी वगैरह लाने का है। तो फटाफट मैं ये सारा एरिया खोद लूँगा अच्छे से, बिल्कुल एक तो सावल से खोद लूँगा, उसके बाद कुल्हाड़ी पे इसको अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूँगा मिट्टी को। तो मैं आज मैं ये जोश से भी खोद रहा हूँ कि मेरा जो शरीर तबीयत ख़राब है शायद सही हो जाए भाई। और एक और मन में चिंता आते हैं, अंकित भेपरिया भाई को देख के ना ख्याल आता है भाई मैं भी कर सकता हूँ, और मेरा बॉडी तो देखो भाई, मेरे को हंसी आ रही वीडियो बनाते टाइम, क्या बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा थक गया। थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे, कोशिश लगा रहेगा। आज मिट्टी का ना पूरा पूरा टुकड़े टुकड़े कर देंगे भाई, पूरा मतलब पूरा ये जो छोटा सा एरिया मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, बाद में आपको पता चलेगा, अभी तो खोद रहा हूँ पूरे एरिया ना, खोद खोद के बड़ा सा एक चौराहे जैसा खोदूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जी का पेड़ लगाने का है। तो मिट्टी से कसरत करने वाला हूँ भाई आज। आज कुछ भी हो जाए मैं पूरा इलाका ना, मेरे जो फार्म हाउस का इलाका है उसको खोदूंगा भाई। एक तो ऊपर से पसीना आ रहा है और थक गया हूँ भाई, पूरा बहुत थक गया। क्या मिट्टी खोद लिया और उसके ऊपर पानी डालने का है, फिर उसको फिर अच्छे से सावल से खोदेंगे भाई, उसको गुंड करने का है। तो अभी पूरा लगभग आधा काम हो गया है और थोड़ा काम भाई, ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया है भाई। देखो आधा काम हुआ था भाई पूरा काम, और इसको बड़ा बड़ा टुकड़ा हुआ है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करने का है, तो डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्यास भी। वहाँ पे लगवाया था टमाटर का पेड़, पोषण की वजह से मर गया भाई, बहुत बुरा। काम कंप्लीट हो गया है, वो काम पूरा कंप्लीट हो गया। घर क्योंकि झाल भी आ रहा है भाई, तो बहुत अपना बॉडी भी निकलने वाला है, अभी निकला नहीं। चलो घर में थोड़ा दूध की लस्सी बनाया था सुबह, तो उसको पी लेते हैं भाई। मार्केट के लिए निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, मार्केट से कुछ सामान भी लाने का था मेरे को, वो चलो फटाफट से निकलते हैं। और अपना जो ओरियो के लिए एप्पल भी ख़त्म हो गया है, एप्पल उठा के लाता है भाई। एक पिछली बार जो गया था आधा किलो लेके आया था, 80 रुपये का पड़ा था, इस बार थोड़ा रेट बढ़ रहा है मेरे को ऐसा लगता है। 1 किलो लेते हैं आते हैं, इस साइड थोड़ा सस्ता मिला तो 1 किलो लेके आएंगे। चलो फटाफट से निकलते हैं भाई, और साथ में कैरी बैग लेके जाएंगे क्योंकि मेरे घर में ऐसा कैरी बैग चलता है वो दिख रहा होगा। चलिए और के लिए और मेरे लिए 3-4 साबुन लाने का है क्योंकि साबुन भाई ख़त्म हो गया। और मम्मी जी बोल रहे थे कल वो गाँव जाएंगे, तो कल के लिए कुछ फ्रूट वगैरह जूस वगैरह लेके आते हैं क्योंकि मौसी के घर कल जाने का है, वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जाएंगे मम्मी जी। और घर में कोई नहीं रहेगा भाई, मैं सिर्फ अकेला रहूँगा और भाई बहन रहेंगे, तो कल पूरा मस्ती मस्ती होगा भाई। अभी का पेंट है भाई, मजाक कर रहा हूँ, ये पुराना पेंट है, इसको 2 साल हो गया भाई खरीदे हुए, देखो अभी भी ये मेरे साथ है। कल थे रेडी भी हो गए हैं और कुकू को चिल्ला रहा है भाई,
सुबह एप्पल दिया था, अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया है। उसके लिए थोड़ा मटर चना भी लेके आते हैं, उसके साथ मिक्स करके देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। अभी ये देखो मेरे पास मतलब 100 ग्राम के आसपास चना ख़त्म हो गया था, 100 ग्राम के आसपास चना है। तो मार्केट जाते हैं, मार्केट का वीडियो भी आपको नहीं दिखा पाऊँगा, मेरे को थोड़ा डर लगता है मार्केट में भाई, कोई क्या बोलेगा। अभी तो उतना प्राउड फील नहीं आया है, जब आएगा मार्केट वाला ब्लॉग भी दिखाएंगे आपको। फिर चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना एप्पल है। ये देखो इसमें एक पीस ही है भाई, तो शाम के लिए। और ये देखो मेरे घर का सब्जी ऐसे रखते हैं हम लोग फ्रिज पे। और ये साइड में जो बनाया हुआ सब्जी मसाला वगैरह, ये ब्रेड है क्योंकि मैं 2-3 दिन से ब्रेड खा रहा हूँ क्योंकि तबीयत मेरा ख़राब है। ये मैंने छोटा सा फ्रिज लिया था सेकंड हैंड, वो भी 5,000 में भाई। ये देखो घर का कुछ ऐसा डिज़ाइन है, जगह की कमी है इसीलिए बिग कैरी बैग वगैरह ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि नहीं तो चूहा वूहा काट लेता है ये सब कैरी बैग वगैरह। और फ्रिज के ऊपर ये सामान आकर दिख रहे हैं, समझ रहे होंगे। और देखो ये मतलब सबसे पुराने में जिस दिन से पैदा हुआ है इस टाइम का घर है ये। और यहाँ पे एक हीटर हुआ करता था, इंडक्शन यहाँ पे रखा होता है, यहाँ पे एक बोर्ड बना होता, सब चीज़ें मेरे को याद है छोटी छोटी चीज़ें भाई। ये मेरा घर, चलो बहुत बात कर लिया भाई, चलो निकल। याद आया कि मेरे दोस्त ने ये फ्लावर के पेड़ मांगे थे तो मैं काट के रख दिया था, उसको ले नहीं पाया। सुबह आया था घर पे घूमने के लिए तो उसके पास अभी याद आ रहे हैं, इसको लेके चलते हैं, उसको देते हैं। पूरा रात जैसे कि आप लोगों को पता है, और अपना गाय भी सो गया है क्योंकि ये रोज़ रोज़ गंदा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई। रोज़ रोज़ हाँ सो गया है, देख यहाँ पे सो गया है भाई। और ये देखो आराम से हाँ सोया है, उधर आग भी लगाया था, आग भी लग चुका है। आज मच्छर भी कम है भाई। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब कर देना।